शुरू करते हैं। और लास्ट क्लास में वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वांटम नंबर्स, है ना। तो अभी अपन क्या करेंगे, पहले क्वांटम नंबर्स को खत्म करने के पहले वापस हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब कंप्लीट करना होगा, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के बाद फिर हम चेक करेंगे हाउ टू यूज दैट क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है ना। तो अपन एक बार पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेते हैं और फिर बताते हैं भाई अपन को क्या करना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वी हैव रिटन दैट, अब अपन लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को कैसे बता रहा है। तो फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई विल राइट कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स। तो एक तो था अपने जो पढ़ा था दैट इज अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल था दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सबशेल्स। ये तो हमको पहले पता था कि इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ना एटम में, तो हमेशा पहले वो शेल फिल करते हैं जिसकी एनर्जी कम हो, फिर हम उस शेल को फिल करते हैं जिसमें एनर्जी ज्यादा हो, राइट ना। फिर उस शेल को फिल करेंगे जिसकी एनर्जी और भी ज्यादा होगी। तो हम हमेशा इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं सो दैट की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दी शेल्स। अब हम बात कर रहे हैं सब शेल्स की, सब शेल्स कौन कौन से हैं। तो वी नो दैट ईच शेल इज डिवाइडेड इन द सब शेल, तो उन सब शेल का भी आपस में हमको एनर्जी कैलकुलेट करना होता है। And that energy is calculated by n plus l rule. तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन अपन ने पहले लिखा हुआ है दैट इन द एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सबशेल्स। सो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in subshell in the increasing order of energy of the subshells, increasing order of energy of subshell, electrons are filled in the increasing order of energy of the subshells, aise fill karenge. To we'll write that the electrons are filled in the increasing order of energy of the subshells. It, the increasing order of energy of the subshell is calculated by n plus l rule. So we'll write that the increasing order of energy of subshells is calculated by right now n plus l rule, is calculated by n plus l rule. Aur ye n kya hai, where n is the principal quantum number and l is the angular quantum number. To last time we have done that ki bhai first shell mein to sirf s hota hai, लास्ट टाइम हमने लिखा था ना, फर्स्ट शेल में क्या होता है, सिर्फ एस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में सिर्फ एस होता है, पीडीएफ राइट नहीं होते हैं। सेकंड शेल में एस बी होता है और पी बी होता है, ठीक है ना। ये शेल हो गया दैट इज फर्स्ट शेल, और इसको तो ऐसे लिख लेते भाई, ये शेल्स और सब शेल ऐसे बना देता हूं मैं। तो जैसे अपन लिखते हैं ना शेल, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ, लाइक दैट वी कैन राइट द शेल्स, ठीक है।
तो अपन क्या करेंगे इसमें ना, ये तो आपने शेल्स लिख दिए भाई, अब आप मुझे सब शेल्स बता दो। ये हो गया शेल्स और ये हो गए सब शेल्स, ठीक है। तो मैं चाहता था आपको दिखे भाई कि देखो हमने लास्ट टाइम तो शेल और सब शेल में डिफरेंस चेक कर लिया था। तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन लिखेंगे कि भाई फर्स्ट शेल में तो सिर्फ एस होता है, तो ये बात ऐसा जाएगा। सेकेंड शेल में तो एस और पी दोनों ही होते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है, टू पी हो जाएगा बिफोर क्वांटम नंबर्स, हमने थोड़ा डिस्कस किया था। थर्ड शेल में तो एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है। फोर्थ शेल में एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है और एफ भी होता है। फिफ्थ शेल में तो एस पी डी एफ है ना, डी एफ जी की जरूरत नहीं पड़ती है, इतने इलेक्ट्रॉन होते नहीं हमारे पास। सिक्स एस सिक्स पी सिक्स डी सिक्स एफ सेवन एस है ना, और लिख सकते हैं यहां पर सेवन एस सेवन पी और ऐसे पर लिखते रहते हैं, लाइक दैट वी कैन राइट। अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था हाउ टू राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट, एन प्लस एल से हमने कैलकुलेट किया था। और मैंने आपसे कहा था तो भाई देखो 1s आएगा, फिर 2s, 1s की एनर्जी कम होती है 2s से, 2s की एनर्जी कम होती है 2p से, 2p की एनर्जी कम होती है 3s से, 3p की एनर्जी कम होती है 3p से, 3p से 4s, 4s के बाद फिर 3d और 3d के बाद 4p, 4p के बाद फिर वी राइट दैट 5s, 5s के बाद वी राइट दैट ऐसे ना, 5s के बाद हम 4d, 4d के बाद 5p, अब ये ना 5p उसके बाद 6s, ऐसे एनर्जी आती है। ये एनर्जी कैलकुलेशन एन प्लस एल रूल से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अब अपन कहेंगे सर मतलब कब पी लिखना है कब एस लिखना है, इसमें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो क्या मुझे हर बार एन प्लस एल रूल कैलकुलेट करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर याद कैसे रहें क्या ये इससे भाई आपको ये तो याद रहेगा ना कि फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s होता है, सेकंड शेल में 2s 2p होता है। वो क्यों? क्योंकि हमको पता है ना फर्स्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, तो वो सिर्फ s में आ जाएंगे। सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8, तो वो दो इलेक्ट्रॉन एस में आ गए और सिक्स इलेक्ट्रॉन पी में आ गए, तो 8 हो गए, इसलिए सिर्फ एस और पी होगा, डी की जरूरत ही नहीं है। थर्ड में 18 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा, इसमें 10 हो गया, तो 18 हो गए। दैट्स व्हाई वी से दैट कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एस होगा, सेकंड में एस और पी होगा, थर्ड में एस पी डी होगा, फोर्थ में एस पी एस पी डी एफ होगा, क्योंकि इसके बाद फिर अपन लिखेंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 32 इलेक्ट्रॉन लिखना है तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, राइट। तो हम ये थोड़े लिख रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं सर कि ये कैसे रहेगा ऑर्डर, की किसके बाद किसको फिल करेंगे, तो वो बड़ा इजी है फिर तो। अब मैं ना एन प्लस एल रूल को लिखने का दूसरा तरीका देते हैं। अब तुम क्या करेंगे अपन, अब आप ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है ना। तो अगर अपन चेक करेंगे ना, ये लिखना अपन को आता है 1s, राइट ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d ऐसे अपन को लिखना आता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ना ऐसे करेंगे, दो बार एक एक को ऐसे कट कर दो स्लांट में, दो बार एक एक को ऐसे कट कर लो, एरोस बना लो, दो बार दो दो को कट कर लो, ऐसे बना दिया भाई। अगर आपने कहा दो बार एक एक, दो बार दो दो, दो बार तीन तीन, दो बार चार चार, फिर इधर 8 आ जाएगा, तो दो बार चार चार ऐसे कर दिया। तो ये दो बार एक एक, दो बार दो दो, दो बार तीन तीन, दो बार चार चार ऐसे कर दिया। तो उसका फायदा क्या? तो अपन कहेंगे देखो भाई फायदा ये
कि अपन इलेक्ट्रॉन को हमेशा फिल करना शुरू करेंगे इसके टेल से और हेड पे पहुंचेंगे, मतलब पहले इसको फिल करो, फिर जब आप हेड पे पहुंच जाओगे ना तो आप वापस इधर जाओ तो फिर इसको फिल करो, इसके हेड पे आ गए, फिर आप वापस इधर जाओ, फिर 2p को फिल करो, फिर 3s को फिल करो, ये फिल हो गया तो वापस आप एरो के टेल पे जाओ, नेक्स्ट एरो के टेल पे इसको फिल करो, फिर इसको फिल करो, फिर इसके बाद वापस आप टेल पे जाओ, फिर इसको फिल करो, इसको फिल करो, इसको फिल करो, फिर टेल पे पहुंच जाओ, फिर इसको फिल करो, इसको फिल करो, इसको फिर टेल पे पहुंच जाओ, तो अपन को पता चल गया भाई इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। हमें क्या करना था, अब आप इसको और उसको कंपेयर करो, आप कंपेयर करो तो 1s है बिल्कुल, उसके बाद 2s यस, उसके बाद 2p यस, फिर 3s, 2p के बाद 3s यस, फिर 3p यस, फिर 3p के बाद आपने 4s फिल किया यस, उसके बाद आपने 4s के बाद आपने 3d फिल किया यस, 3d के बाद 4p यस, 4p के बाद 5s ओके, 5s के बाद आपने 4d को फिल किया यस, फिर 5p को यस, फिर 6s को यस, उसके बाद आता 4f। मेरे ख्याल से अपन को ये लिखना बड़ा इजी हो गया। अब अपन चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, जैसे मान लेते हैं अपन ये मैं हटा रहा हूं, ठीक है, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है और n प्लस l रूल सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, अपन यहां से देखें किस ऑर्बिटल को पहले फिल करना है और किस ऑर्बिटल को बाद में फिल करना है, ये अपन कहां से देख सकते हैं, ठीक है, ये अपन कहां से देख सकते हैं, तो अपन को पता है कि कहां से अपन कैसे बता सकते हैं कि n प्लस l रूल में अपन को कैसे पता चलेगा कैसे किसको पहले फिल करना है। अब मैं क्या करता हूं, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं। मान लो अपने पास ऐसे ही बने, मैंने आपसे कहा लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम के अपन कहेंगे भाई एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है सपोज करता है, एटॉमिक नंबर लिथियम का अपन को पता ही होता है 3 होता है, तो अपन क्या करेंगे भाई पहले आप 1s को फिल करोगे, ठीक है, उसके बाद किसको फिल करोगे 2s को फिल करोगे, ठीक है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया इलेक्ट्रॉनिक। अगर अपन कहेंगे ठीक है मेरी मर्जी कार्बन के लिए लिखूंगा, कार्बन तो 6 होता है, तो पहले किसको फिल करना है 1s को, फिर किसको फिल करना है 2s को, फिर किसको फिल करना है 2p को, तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लस 2 4 हो गया, अब अपन 2p में कितने लिख देंगे 2, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर मान लो मुझे लिखना है इसे, मैंने कहा आपसे कि अब मैग्नीशियम लिख के बताओ, अच्छा ये 12 होता है, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले किसको फिल करना है 1s, फिर 2s, फिर 2p, तो 1s 2s 2p कितना हो गया 10 हो गए, अब 3s ये लो भाई हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, अब क्लोरीन के लिए बताओ, अच्छा 17 होता है एटॉमिक नंबर, क्लोरीन के लिए लिख लेंगे भाई 1s, पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, ऐसे। तो अपन इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं इतने इलेक्ट्रॉन भी हैं कि नहीं है, तो अपन कहेंगे इसमें 2 और 2 4 हो गया, 6 10 हो गया, ये सब ये 12 हो गया, अब 12 हो गया तो इसमें तो 6 लिख सकते हैं अपन क्योंकि 18 हो जाएगा, जबकि है कितना 17, तो फिर कहेंगे 5 इसमें, ये हटा दो, ये देखो भाई 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, पर कहेंगे अच्छा ठीक है कैल्शियम लिख के बताओ, वो तो 20 होता है, कैल्शियम को कैसे लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर कहेंगे कैल्शियम लिखना है, अभी लिख देते हैं, उसमें क्या है भाई ये लिखा तो है, हमें पता है पहले 1s फिल करना है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, और उसके बाद 3d, और फिर 4p, और फिर 5s, ऐसे अपन को पता है, और ये पार्ट लिखना बड़ा इजी है। फर्स्ट शेल में फिर सिर्फ s होता है, सेकंड शेल में s और p होता है, थर्ड शेल में s p d होता है, फोर्थ शेल में s p d f होता है,
फिफ्थ में भी, बाकी सब में एस पे डी है। तो अपन ने कहा दो बार ऐसे, दो बार एक एक, दो बार दो दो, दो बार तीन तीन, दो बार चार चार, वो अपन को याद होता है। बोलोगे तो चलो अपन ऐसे करते हैं। अब 20 के लिए अपन कहेंगे भाई देखो, अच्छा एक बात है, 3p तक कोई गड़बड़ नहीं होती, मतलब 1s फिर 2s 2p फिर 3s 3p, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तक इसकी भी जरूरत नहीं है, तो अपने आप ही लिखेंगे। तो अपन लिखेंगे भाई ठीक है 1s होता है, 2s होता है। अब ये बार बार 2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार ऐसे लिख सकते 2s and 2, मतलब बार बार 2 लिखने की जरूरत नहीं है। 3s 3p भी बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अपन तो क्या इनिशियली अभी लिख रहे हैं अपन, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये गलत नहीं है और वो भी गलत नहीं है। ठीक है 2s के बाद 2p लिखेंगे अपन, फिर 3s लिखेंगे अपन, फिर अपन लिखेंगे 3p, अब 2 4 10 12 6 18, लेकिन 3p के बाद अपन 3d फिल नहीं करना है, क्या फिल करना है 3d के बाद, 3p के बाद क्या फिल करेंगे 4s, हमने 3d को फिल नहीं किया, हमने किसको फिल किया 4s, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैल्शियम का। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया अपन को, लेकिन मतलब 3p के बाद फिर 4s आता है, 4s के बाद 3d आता है। तो अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं, मेरे पास ऐसे के बने, अब बताओ क्या करूंगा, Fe है और वो तो 26 होता है एटॉमिक नंबर, अब कैसे फिल करूं, बड़ा इजी है 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d फिर 4p लाइक दैट फिल कर लो। तो अपन कहेंगे देखो भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, मैंने आपसे कहा था 3p तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको 4s2, अब 20 हो गया, मतलब मैंने यहां पर 2 फिल किया, यहां 2 फिल किया, यहां 6 यहां 2 यहां 6 यहां 2, तो यहां तक 20 हो गया। अब किसको फिल करना है 4s के बाद, कहेंगे एरो के हेड पे आगे टेल पे जाओ दूसरे एरो के, ये 3d को फिल करना है। अब अगर 20 हो गया तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन है 6d में फिल करो। तो अपन क्या करेंगे, इसका मतलब है इसके बाद अपन को लिखना है 3d6, ये लो भाई अपना काम। अच्छा तो अगर मान लो मैं लिखता हूं Ni 28 लिखूंगा तो क्या करूंगा, उसमें क्या है, अभी 26 लिखा था, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो डी में, भाई पहले 6 था तो 26 था, अभी 28 है तो आपने 2 और इलेक्ट्रॉन ऐड किए, डी में तो टोटल 10 आ सकता है, अभी तो 6 ही है तो इसमें 2 और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, बाकी पार्ट सेम रहे, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा 28 है तो अपन लिखेंगे भाई 1s2, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ये वाला पार्ट, तो अपन सभी में कर सकते हैं, जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी करेक्ट, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन के लिए नोबल गैस को, अपन ना नोबल गैसेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें, इसमें मैंने 1s2 के लिए हीलियम लिख लिया, वैसे इसमें मैं लिख सकता था क्या, नहीं इसमें तो नियम नहीं आ सकता ना क्योंकि 10 के बाद ही आएगा, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं हीलियम 2s2p2, इधर ये 10 आ रहा है तो अपन यहां नियॉन लिख सकते हैं इसकी जगह नियॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके और 3s2, इधर भी नियॉन लिख सकता हूं इस पार्ट के लिए, तो मैं लिखूंगा नियॉन और फिर ये वाला पार्ट लिख दूंगा 3s2p5। मैं इस वाले पार्ट में, जैसे इस वाले पार्ट में ना इधर के लिए मैं 18 लिख सकता हूं, मतलब आर्गन जैसे यहां पर मैं लिखने वाला हूं ना, इसके लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूं AR, ये 18 हो गया, मैंने 18 वैसे ही लिखा,
ये बताने के लिए कि वो 18 इलेक्ट्रॉन इससे रिप्रेजेंट किया है। यहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, 4s2 3d6 ये तो भाई हो गया अपना, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए थे ना आर्गन के। ऐसे ही अगर मैं निकल लिखता हूं ni, तो ni को मैं क्या लिख लूंगा, तो अपन कहेंगे भाई ni को अपन ऐसे लिख लेंगे ये 28 है तो आर्गन से 18 हो गया, आर्गन से क्या हो जाएगा 18, और आर्गन से अगर 18 हो गया तो बाकी बचा क्या 4s2, 20 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 18 ये, 3d8 कर दो, ये लो भाई ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया और लिख दिया हमने। एटॉमिक नंबर 32 तक हमें सारे नंबर्स याद होने चाहिए, किसका एटॉमिक नंबर 28 है, किसका 26 है, किसका 24 है, किसका 21 है, एटॉमिक नंबर 32 तक हमें सारे याद होने चाहिए। अब मान लेते हैं बना सर, अब मैं इसको हटाता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ना, अब अपन कहेंगे ठीक है हमें पता चल गया कि इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना, ठीक है मैं इसको हटा रहा हूं, ये अपने देख लिया कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब मैंने इसको हटाया और मैंने आपसे कहा ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि देखो भाई मेरे पास ना एक एग्जांपल गिवन है ऐसे, और उसमें मुझसे पूछा गया है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बिस्मथ, ऐसे और एटॉमिक नंबर भी दे दिया उसमें, उस एटॉमिक नंबर इज अपन कहेंगे भाई बिस्मत का एटॉमिक नंबर अपन को गिवन है एंड दैट इज इक्वल टू 83, ये अपन को गिवन था क्वेश्चन और अपन से कहा 83 है, अब लिखो तो अपन कहेंगे हमें क्या करना, हार्डली इट विल टेक 2 सेकंड्स, ये तो अपन पढ़ रहे थे हमें पता तो चल गया कैसे फिल करना है, हार्डली फ्यू सेकंड्स वो कैसे भाई 83, ये लो ये लिखना मुझे आता है, ये 1s है, ये 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 3d है, 4s है, 4p है, 4d है, 4s है, 5s है, 5p है, 5d है, 5s है, 6s है, 6p है, 6d है, 6f, 7s, बस अभी रुक जाता हूँ 7s। अब क्या करेंगे, तो आपने बताया था ना दो बार एक एक, दो बार दो दो, दो बार तीन तीन, दो बार चार चार, तो ऐसे कर दूंगा मैं तो, चलो फिल करते हैं 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 38, 48, 54, 56, F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 56 प्लस 4 60, ये 70, 80, 83 हो गया। कितना टाइम लगा अपन को, हार्डली फ्यू भाई फ्यू सेकंड ही हुए, एक मिनट तो नहीं लगा होगा अपन को, तो हमें ये अफबाव प्रिंसिपल वाला पार्ट अपन को आना ही चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि अपन को ऐसे ना, क्योंकि इस बार इसलिए मैंने हटा के फिर लिख के बताया आपको कि देखो कितना इजी है लिखना, ठीक है। अब अपन ऐसे करते हैं, मान लो मेरे पास ऐसे, अब तुम लोग क्या बताओगे मुझे है, तुम लोग लिखना फिर मैं चेक करता हूँ, कैलकुलेट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 103, ऐसे 103 लिख देता हूं,
चलो 103 लिखो, कैसे करोगे? 103 अपन को क्या करना होगा, फटाफट हाफ पाव के हिसाब से ऐसे बनाने होंगे। बनाओ जल्दी से, फिर मैं बताऊंगा। हो गया, चलो फिर देख लेते हैं। तो वैसे तो 83 तो इसमें दिख ही रहा था अपन को, इसके आगे लिख सकते थे, लेकिन अपन कहेंगे भाई ठीक है, नहीं आप फिर से मुझे जल्दी से लिख के बताओ। 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d or we'll write that that is 6f 7s 7p 7d 7f 8s। चलो देखते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल। अगर देखा जाए तो अपन बता सकते हैं ऐसे, वो 288 अपन ऐसे लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे अपन बता रहे हैं। फिर मैं इसमें अगर चेक करूंगा तो 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। चलो एक बार चेक कर लेता हूं कि ये मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 20 प्लस 36 और 20 56 प्लस 32 88 हो गया, मतलब मैं यहां तक 88 हो गया। तो 88 के बाद मैं 14 ऐड कर देता हूं इसमें, तो 88 प्लस 14 कितना हो गया 2 और राइट ना कैरी 1 ना 102 हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का। तो यहां तक अपने पास हो गया था 102, मैंने एक यहां पर ऐड कर दिया, मतलब इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन ना जिस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है उसी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब नॉन मेटल साइड में प्लेस्ड होगा, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि ये इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में फिट हो रहा है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया, किसी को डाउट है तो बोलो, आया ना? चलो अब अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप जो पार्ट होगा वो बाद में देख लेंगे, और अगर कोई पार्ट है तो अब अपन चेक करेंगे। ठीक है भाई, एक तो आपने अफबाव प्रिंसिपल रख लिया और उसमें एन प्लस एल रूल से कैलकुलेट करते हैं। अब एन प्लस एल रूल क्या, हमें तो पता ही चल गया भाई कैसे पढ़ना होता है, कैसे कैलकुलेट करना होता है एन प्लस एल को, ठीक है ना? अब अपन चेक करते हैं द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 होता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंट्स रूल।
ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? हैंडसूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि भाई द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द सबशेल, क्योंकि जैसे पहले मैं बता देता हूं फिर अपन डेफिनेशन की बात करेंगे। जैसे पी सिक्स है तो अपन को पता है पी के ऑर्बिटल तीन होते हैं, तो पी के अगर तीन ऑर्बिटल होते हैं तो ऐसे तीन ऑर्बिटल होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हर एक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद अपन कहते हैं पेयरिंग शुरू होती है। मतलब ऐसे नहीं होता, फिर ऐसे लिखते हैं अपन ऐसे नहीं करेंगे कि पहले ही इसमें दो इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, फिर दो और इसमें लिख देंगे, फिर दो और इसमें लिख देंगे। वो कहते हैं कि भाई ये गलत है लिखना। सही लिखना क्या है? पहले आप हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दो। इलेक्ट्रॉन को एरोज से डिनोट करते हैं, और जो ये एरोज होते हैं ना ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं, अप स्पिन एंड डाउन स्पिन। तो अपन कहते हैं ऊपर के स्पिन पहले ऊपर वाले स्पिन लिख दो, या पहले आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी चलेगा। वो कहता पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन लिख दो, उसके बाद पेयरिंग शुरू करना, मतलब बाद में फिर आप ऐसे लिखना, बाद में आप ऐसे लिखना पेयरिंग शुरू करना, दैट इज हैंडसूल। तो वो कहता है हैंडसूल के हिसाब से अपन क्या लिखे, और फिर अभी और डिटेल में पढ़ेंगे ना अपन बहुत सारे आइटम के। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल, सबशेल इज एसपीडीएफ, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ सबशेल, ऑर्बिटल्स ऑफ द सबशेल, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ द सबशेल, और एक ऑर्बिटल को अपन एक बॉक्स से डिनोट करते हैं, ऑफ द सबशेल विल टेक प्लेस व्हेन ईच ऑर्बिटल हैज वन। इसको ना जैसे अपन ऐसे लिखते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो इसको कहते हैं अपन पेयर्ड कर दिया अपने इलेक्ट्रॉन को, वो मैग्नेटिक स्पिन पेयर ना, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन है इलेक्ट्रॉन का, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा हुआ है तो इसको अपन कहते हैं ये ना पेयर्ड नहीं किया आपने, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अपन वो अनपेयर्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अपन ने लिखा द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स ऑफ द सबशेल विल टेक प्लेस व्हेन ईच ऑर्बिटल हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे। एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा फॉर पी ऑर्बिटल्स, तो पी ऑर्बिटल के एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज मैं ऐसे लिखता हूं, मेरे पास पी वन गिवन है, तो अपन उसे ऐसे लिख सकते हैं, पी के तीन ऑर्बिटल है, आप वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज सभी ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी होती है, दे आर डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, आप ऐसे भी लिख सकते, आपकी मर्जी, ये भी करेक्ट भाई, नहीं मैं तो ऐसे लिखूंगा, लिखो। ये मैंने कब कहा कि अपस्पिन ही पहले लिखना होता है, बट जनरली अपन एक रूल बनाने के लिए कुछ ना कुछ कि भाई कम से कम पॉजिटिव डायरेक्शन में पहले सोचो, तो अपन कहते पहले अपस्पिन कर लेते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब डाउन स्पिन, तो अपन ऐसे, बट वो गलत नहीं है क्योंकि ऑल आर डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की डिजेनरेसी तभी लॉस्ट होता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं, लास्ट क्लास में बताया मैंने। अगर सबका एनर्जी एक जैसा है तीनों का, तो किसी में भी इलेक्ट्रॉन पहले रख सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में, अप स्पिन या डाउन स्पिन। अगर P2 होता तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, दो इलेक्ट्रॉन्स, मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही में नहीं रख सकता, वही तो रूल है कि पहले हर एक में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी आप फिल कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी करोगे तब भी चलेगा मेरे लिए,
ये आप एक इधर रखो तब भी चलेगा मेरे लिए। आप अगर ऐसे भी लिखोगे तब भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप ऐसे नहीं कर सकते, बट इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत है। अगर आपने एक को ऊपर रखा है तो दोनों को ऊपर रखो, आप ऐसे नहीं कर सकते एक को ऊपर रखें एक और बटन में नीचे की तरफ, वो गलत है, स्ट्रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। या तो आप दोनों को ऊपर कर दो या दोनों को नीचे कर दो, आप एक ऊपर एक नहीं, जैसे इसमें भी किया था। अगर मेरे पास P3 है तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा तीन इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप ऐसे भी लिखोगे तब भी चलेगा मेरे लिए, ये भी करेक्ट, बट आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। दो को ऊपर रखते हैं एक को नीचे रखते हैं, ये गलत है, ये सही है। अगर मेरे पास P4 है तो आप ऐसे लिख सकते, वन टू थ्री, अब तो पेयरिंग होगी, तो अब डाउन स्पिन कोई भी किसी भी ऑर्बिटल में लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वन टू थ्री, आप यहां भी लिख सकते हो, करेक्ट है, बिकॉज सबका एनर्जी एक जैसा है, आप कहीं भी फिल कर सकते हो। आपको एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन हमेशा अपोजिट होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होगा तो गलत होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ इसलिए हैं बिकॉज उनके मैग्नेटिक स्पिन कैंसिल किया था। अगर मैग्नेटिक स्पिन कैंसिल नहीं होगा तो फिर अपन उन्हें एक साथ नहीं लिख सकते, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुमको, मतलब आप पहले सारे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ फिल कर लो उसके बाद ऊपर की तरफ पेयरिंग शुरू करो, बिल्कुल करेक्ट, आप इनमें से किसी में भी पेयरिंग शुरू कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप ऐसे नहीं कर सकते, अगर ऐसे करोगे तो अपन उसे गलत बता देंगे। दोनों ही पैरेलल स्पिन मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर है तो गलत, क्यों, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन जो है वो अपोजिट होने चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मेरे पास P5 के बिना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वन टू थ्री, पेयरिंग विल ओनली टेक प्लेस व्हेन ईच ऑर्बिटल हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे वही तो डेफिनेशन है मल्टीप्लिसिटी का। दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे लिखूंगा चलेगा, करेक्ट है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अपन को। अगर मैं ऐसे लिखता हूं सपोज ये भी करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, तो लाइक दैट वी कैन राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अपन को, बट अपन ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वो अपन को पहले से पता है, मतलब अब इसमें कोई वैसे बताने के लिए मेरे पास बचा नहीं कुछ, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको सारे ऊपर की तरफ लिखो या सारे नीचे की तरफ लिखो, और फिर मैं कहूंगा कि मैं पेयरिंग करूंगा, क्योंकि आप जब पेयरिंग करोगे आप तो दोनों, ये नीचे की तरफ लिखा है तो ये भी नीचे की तरफ लिखा होगा, तब ये दोनों पैरेलल स्पिन हो जाएंगे, और पैरेलल स्पिन के लिए अपन कहेंगे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल स्पिन तो होना ही नहीं चाहिए, दोनों इलेक्ट्रॉन का पैरेलल स्पिन तो होना ही नहीं चाहिए। अब सिक्स होगा तो सारे ही फिल्ड हो जाएंगे, कंसेप्ट मैंने ऑलमोस्ट सारे आपको बता दिए। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, मुझे आपने बता दिया ऐसे डी ऑर्बिटल में होगा, बिल्कुल डी ऑर्बिटल में होगा ऐसे, तो अगर मान लेते हैं कि अपन को ऐसे गिवन है, मान लेते हैं एग्जांपल कि मुझे गिवन है D7, बताओ क्या करें, तो अपन जाएंगे D ऑर्बिटल बना लेते हैं भाई, इसमें क्या है,
डी सेवन के बेस, ये लो डी सेवन के लिए अगर मैं डी ऑर्बिटल बनाऊंगा तो डी के तो पांच ऑर्बिटल होते हैं, बना दिया। अब सेवन है तो पांच ऑर्बिटल में पहले फाइव को किसी एक डायरेक्शन में लिख लो, ये लिख दिया भाई। अब किसी दो में अपोजिट डायरेक्शन में लिख दो, क्योंकि ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो मैंने डी सेवन को ऐसे, ये डी सेवन राइट, ये डी सेवन हो गया। तो वी आर एबल टू राइट दैट व्हाट इज एंड रूट ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब अपन कुछ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, ऐसे कुछ एटम्स की बात करते हैं। मान लो मेरे पास कहा गया मुझसे राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, कार्बन एटॉमिक नंबर इज सिक्स, वन एस टू, टू एस टू, पी टू। तो अगर मुझे ऑर्बिटल के फॉर्म में लिखना है तो मैं कहूंगा एस का एक ऑर्बिटल मतलब एक्स बॉक्स, फिर टू एस हो जाएगा, ये वन एस है, ये टू एस है और ये टू पी है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। हम बॉक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो भी करेक्ट है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए मैं इसमें दो इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन है इसलिए मैं इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, और p में 2p में दो इलेक्ट्रॉन है तो मैं सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखूंगा। आप ऊपर की तरफ भी दोनों का एरो लिख सकते हो, नीचे की तरफ भी दोनों का एरो लिख सकते हो, लेकिन एक ऊपर और एक नीचे p में अगर लिखोगे तो गलत होगा, वो अभी बताया आपने। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब उसमें एट इलेक्ट्रॉन होते हैं, एट होगा तो अपन कहेंगे ये 1s2 है, ये 2s2 है और p 4 हो जाएगा, तो अपन लिखेंगे भाई p 4 है तो इसमें ये 2s हो गया और ये p हो गया 2। 2s में 1s में दो इलेक्ट्रॉन है लिखा मैंने, 2s में दो इलेक्ट्रॉन है लिखा मैंने, और p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में लिखो, उसके बाद फिर पेयरिंग शुरू होगी, यही तो हंट्स रूल है, उसके बाद फिर पेयरिंग शुरू होगा, यही हंट्स रूल है। वैसे जो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं उन्हें लिखने की जरूरत नहीं होती, हमें जो लास्ट वाला ऑर्बिटल होता है ना, लास्ट वाला शेल, उसको लिखने की जरूरत होती है। जैसे मान लो अपन ने लिखा मेरे पास क्लोरीन है, ये 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने 1s2, 2s2 p6, 3s2 p5। अब अपन को पता है ये तो सारे के सारे फिल्ड अप है, लिखने की जरूरत क्या है, जो लास्ट शेल है ना थर्ड शेल उसको लिखेंगे अपन। तो अगर लास्ट शेल को लिखें अपन थर्ड शेल को, तो अपन कहेंगे लो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी लाइक दिस। तो ठीक है, अब ये 10 इलेक्ट्रॉन है तो लिख देते हैं भाई नियॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स दे आर कंप्लीटली फिल्ड। तो फिर आगे अपन क्या लिखेंगे तो बता देते हैं भाई आगे क्या लिखना है अपन को, ऐसे लिख देंगे अपन, इसमें 3s है तो 3s का ये ऑर्बिटल बना दिया अपन, और फिर 3p है तो मैंने 3p का भी ऑर्बिटल बना लिया। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन लिखो, 5 पहले एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन लिखो, दैट इज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भाई, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन लिखना होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में, उसके बाद पेयरिंग शुरू करना, कर दिया मैंने तो क्या करूं, यहां लिखो या यहां लिखो, कहीं भी लिखो, दैट डीजनरेटेड ऑर्बिटल, आपकी मर्जी, गलत नहीं है, यहां लिखोगे तब भी सही रहेगा, किसी भी दो में पेयरिंग करो। अब दिस इज हंट्स रूल, मतलब इसमें और ज्यादा अपन को पढ़ने की जरूरत है, भाई किसी भी मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ओनली टेक प्लेस व्हेन ईच ऑर्बिटल हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड हंट्स रूल। अब अपन थर्ड उसकी बात करते हैं, ठीक है, तो अपन कहेंगे थर्ड में दैट इज पॉलीज प्रिंसिपल,
पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता हूं मैं, ठीक है। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए अगर अपन कहेंगे तो देखते हैं भाई क्या करना है अपन। दैट इज द टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, जो एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, एक बॉक्स को एक ऑर्बिटल बोलते हैं, एक बॉक्स को एक ऑर्बिटल बोलते हैं। सो द टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल एन ऑर्बिटल, जो दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ना, कैन नॉट हैव सेम वैल्यू। जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एक ही ऑर्बिटल में, दे कैन नॉट हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल फोर क्वांटम नंबर्स, फॉर ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। अब ये क्वेश्चन नंबर नाम है ना, तो फिर इसको क्वांटम नंबर लेंगे। ऑल फोर So cannot have the same value for all four quantum numbers. Cannot have the same value for all four quantum numbers. So we can write like this. अब ये तो अपन को पहले सीख था भाई क्वांटम नंबर्स क्या होता है, एन एल एम एंड एस। अपन कहेंगे भाई एक ही बॉक्स में इसके वैल्यूज और इसके वैल्यूज कभी सेम हो ही नहीं सकते भाई। अगर मान लो ये तीनों सेम हो भी गए तो ये तो सेम हो ही नहीं सकता है इस वाला, क्योंकि ये तो अप स्पिन है 1/2, ये डाउन स्पिन है -1/2, ये वैल्यू सेम तो कभी हो ही नहीं सकते। इसमें डेफिनेशन बनाने की क्या जरूरत थी, तो अपन कहेंगे भाई ये तो वैसे भी फैक्ट है कि अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक का अप स्पिन होगा दूसरे का डाउन स्पिन होगा, अप स्पिन होगा दूसरे का डाउन स्पिन होगा, तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है दिस प्रिंसिपल रेस्ट्रिक्ट, दिस प्रिंसिपल रेस्ट्रिक्ट द प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल। तो ये प्रिंसिपल के हिसाब से किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसे हो जाएगा ना, आप कहोगे भाई मेरी मर्जी मैं तो ऐसे लिखूंगा। मान लेते हैं अपन तीन प्रिंसिपल लिखे अपन, मुझसे कहा गया कि भाई मेरे पास नाइट्रोजन है, मैं कहा कि देखो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, वी नो दैट। अब मैं कहूंगा एटॉमिक नंबर 7 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं तो ऐसे लिखूंगा, अब बताओ क्या गलती है, मैं तो इसमें ही 7 इलेक्ट्रॉन रख दूंगा। तो अपन कहेंगे भाई एस में 7 इलेक्ट्रॉन रख दो, आपकी मर्जी, आप जितना चाहो उतना रखो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के उनमें से आप थर्ड रूल को वायलेट कर रहे हो, क्योंकि अगर एक ही ऑर्बिटल में आप 7 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो सभी 1, 2, 3, 4, 5 आप ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन रखोगे 5, 6 और 7, तो फिर दो इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इसका भी +1/2 होगा, इसका भी +1/2 होगा, इसका भी +1/2 होगा,
तो इसका मतलब ये हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर के वैल्यू सेम होने के चांसेस बढ़ गए। भाई अब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का प्लस वन बाई टू हो गया ना, चार इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ लिखा था आपने, अलग अलग लिख देता हूं भाई, एक ही ऑर्बिटल में तो लिख रहे हैं भाई, सेवन को ऐसे लिखो गया, तो यहां पर ये चारों इलेक्ट्रॉन के लिए एस का वैल्यू एक जैसा हो गया भाई। हाँ, ये पॉलिस बोलता है कि कभी भी एक से मतलब सेम क्वांटम नंबर के वैल्यूज नहीं हो सकते एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए, और यहां पर एस का वैल्यू भी अगर सेम हो गया तो बाकी तो मैं कहीं ना कहीं सेम कर ही लूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगा क्वांटम नंबर। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, फिर मतलब इसमें ऐसा नहीं लिख सकते, और अगर किसी ने ऐसे लिख के दिया तो बोल देंगे यू आर वायलेटिंग द अनसूल पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो कहता है कि भाई किसी भी एक किसी भी ऑर्बिटल में दो दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स का वैल्यू सेम नहीं हो सकता, तो उसको अपन वायलेट करें। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फॉर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए क्या फिर करेक्ट क्या होगा, जैसे अपन लिखते हैं नॉर्मली अब्बा प्रिंसिपल से वो लिखना पड़ेगा। अब अपन चेक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर्स। अब ये तो यही तीन रूल्स हैं जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए याद रखना है। अब अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं, तो अभी क्या होगा, जैसे मेरे पास गिवन है ऐसे, मैंने आपसे कहा मेरे पास ना कार्बन गिवन है, कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर है 6, 1s2, 2s2, p2, ये होता है। तो हमसे पूछा जाएगा क्वांटम नंबर्स फॉर तो सिक्स इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट होगा 2s में, राइट ना, दिन होता है, वैसे भी 2 लिखा था ना, फर्क नहीं पड़ता, ये 2p में प्रेजेंट था, सिक्स इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होगा। तो अपन क्या करेंगे क्वांटम नंबर फॉर सिक्स इलेक्ट्रॉन, तो अपन लिखेंगे किस शेल में प्रेजेंट है, सेकेंड शेल में, मतलब एन का वैल्यू 2 है, किस सब शेल में प्रेजेंट है, पी में, एल का वैल्यू पी के होता है, तो एम का वैल्यू क्या होगा, तो अपन कहेंगे प्लस वन जीरो माइनस वन, बिकॉज एम इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एल इंक्लूडिंग जीरो, और एस का वैल्यू क्या होगा, तो अपन कहेंगे प्लस माइनस वन बाई टू। ऐसा क्यों लिखा, तो अपन कहेंगे आपने ऐसे बताया ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एक ऐसे, 2s ऐसे और 2p ऐसे, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया था, ये 5 और ये 6, तो इनमें से किसी में भी लिख सकता हूं, दे आर डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, अगर डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स है तो मैं यहां भी लिख सकता हूं, यहां भी लिख सकता हूं, और m का वैल्यू मैं किसी को भी कुछ भी दे सकता हूं, बिकॉज देयर एनर्जी सेम, मेरी मर्जी, मैं तो इसको प्लस वन, इसको माइनस वन, इसको जीरो दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ऑल हैव सेम एनर्जी, इसलिए मैंने m का वैल्यू फिक्स नहीं किया। तो m का वैल्यू अपन कभी फिक्स नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखो, ज़ीमन इफेक्ट, तो फिर इनका डीजेनरेसी ब्रेक हो जाएगा, और डीजेनरेसी ब्रेक होता है तो अपन तो पता है एक का एनर्जी कम होगा, एक का एनर्जी उतना ही रहेगा और एक का एनर्जी बढ़ जाएगा, जिसका एनर्जी कम होगा उसे माइनस वन दे देंगे, जिसका कुछ भी नहीं हुआ उसे जीरो दे देंगे, और जिसका एनर्जी बढ़ गया उसे प्लस वन दे देंगे। जिसका एनर्जी सबसे कम होगा फिर इसमें दो इलेक्ट्रॉन फेल हो गए, फिर इसमें
फिर इसमें अब ये सब डिजेनरेटेड थोड़ी है कि सब में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी, वो तो तब होता है जब तीनों की एनर्जी सेम, अब तो एनर्जी डिफरेंट होगी। इसका मतलब अगर एनर्जी डिफरेंट होगा तो पहले उसको फिल करो पूरा जिसकी एनर्जी कम है, फिर उसको फिल करो जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा है, फिर उसको फिल करो जिसकी एनर्जी उससे भी ज्यादा है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं होगा, हमें नहीं बताने वाले, हमें देने वाले नहीं है मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट। इसलिए मैंने क्या कहा, आप तो एम के लिए फिक्स मत बताओ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट अपन से नहीं पूछ। तो M के लिए अपन कहेंगे भाई, तो लेकिन अपन को एक बात पता होगा, कभी भी L का वैल्यू N के वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा, M का वैल्यू L के वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा। मतलब N इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू L, L इज ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू M। ये जैसे यहां पर L का वैल्यू 1 है तो M का वैल्यू +1 हो सकता है लेकिन +2 नहीं हो सकता, ये पार्ट हमेशा पता रखना। ठीक है, अपन क्या करेंगे, ये एक क्वांटम नंबर्स का पार्ट अपन ने लिखा। अब एक पार्ट मुझे ऐसे लिखा, क्वांटम नंबर्स फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम। कोई बात नहीं, लिखा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए लिख लेता भाई। ये हो गया 1 2, थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा 2s में, ये तो रिपीट है। अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा तो अपन कहेंगे n का वैल्यू 2, 2s में है ना थर्ड इलेक्ट्रॉन, l का वैल्यू 0, व्हाई इट इज सो, बिकॉज s में है, s के लिए तो l का वैल्यू 0 होता है, बताया था आपने। M का वैल्यू फिक्स बता ही नहीं सकते, अगर L 0 है तो M भी 0 है, और S का वैल्यू भाई आपकी मर्जी, आप पहले ऊपर की तरफ लिख सकते हो या पहले नीचे की तरफ लिख सकते हो, तो प्लस माइनस 1/2 ही होगा। अब अपन कहेंगे ठीक है, अच्छा ये है, ये राइट क्वांटम नंबर्स फॉर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो Cl के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2p6, 3s2p5। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है p में, S का वैल्यू अपन देंगे प्लस, ये रहा भाई। मतलब N जो है वो हमको शेल बताएगा और L जो है वो हमको सब शेल बताएगा, हम शेल और सब शेल को ही फिक्स कर सकते हैं, तो M को फिक्स नहीं कर सकते, M को फिक्स करो ना, लेकिन आपको मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा एटम, वैल्यू तो आता है ना M का, मतलब कुछ तो होगा ना उसको कैलकुलेट करने का तरीका, हाँ है ना, बट अब हमको उसको किस में रखना होता है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो फिर इसमें हमसे ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जैसे मैंने आपको बताया। फिर अगर मान लो अपन से लिखा है ऐसे, मान लो मैं इसको उठा देता हूं और फिर हमको क्वेश्चन आ जाएगा, राइट द वैल्यू ऑफ, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन, राइट द वैल्यू ऑफ दैट इज वी कैन से दैट एन एंड एल फॉर द गिवन सब्शेल्स, सब्शेल्स तो मुझे ना सब्शेल ऐसे गिवन है 4s 3p 4d 5s ऐसे गिवन है, ऐसे
ठीक है, तो इनके लिए अपन को क्या लिखना है, द वैल्यू ऑफ नहीं है पता, एम बी लिख सकते हैं अपन, है ना, एम एल एम बी लिख दिया, ठीक है। तो आंसर लिख लेते हैं अपन, पहले एफ इसके लिए लिखते हैं, एन का वैल्यू 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इस एल का वैल्यू 0 तो एम का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, थ्री पी के लिए एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 1, एम का वैल्यू प्लस माइनस 1 इंक्लूडिंग 0, ये हो गया। 4d है तो अपन कहेंगे भाई एन का वैल्यू 4, एम का वैल्यू d है ना 2, एल का वैल्यू 2, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 एंड 0, ये हो जाएगा, ये इसको ऐसे कर देता हूं, और दिखना चाहिए ना, एम का वैल्यू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 और 0, 5 वैल्यूज आएंगे ना, क्योंकि डी के 5 बॉक्सेस होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5 वैल्यूज होगा, ठीक है। अब उधर चेक करते हैं, एन का वैल्यू 2, एल का वैल्यू 0, एम का वैल्यू 0, ऐसे 1 इसमें एन का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 0, क्योंकि एस ऑर्बिटल है तो एम का वैल्यू भी 0। इसके लिए लिखूंगा तो 5 एफ है, तो एन का वैल्यू 5, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा एफ के लिए 3, तो एम का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 0। एफ के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और अगर 7 ऑर्बिटल होते होंगे तो विनोदक होती होगी, अब अगर मान लो अपन को ऐसे लिखना है, ये अपन ने लिखा, ठीक है ना, अपन से कहा गया राइट द सबशेल्स, सबशेल्स फॉर गिवन क्वांटम नंबर्स, मुझे क्वांटम नंबर्स के बारे में, एक गिवन है मुझे एन का वैल्यू 5, एम का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 2 और एम का वैल्यू 0, एक मुझे गिवन है एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 1, एम का वैल्यू 1, एक गिवन है मुझे एन का वैल्यू 2, एल का वैल्यू 0, एम का वैल्यू 0, डी एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 2 और एम का वैल्यू 1, ठीक राइट। तो अपन देखते हैं कैसे, अब अपन क्या कहेंगे, एम का वैल्यू तो फिक्स बता ही नहीं सकते, मैं तो उसको 0 की जगह कुछ और भी लिख सकता था, वैल्यू किसकी बता सकते हैं अपन फिक्स, इन दोनों विदाउट मैग्नेटिक, तो n का वैल्यू 5 मतलब आप फिफ्थ सेल की बात कर रहे हो, और l का वैल्यू 2 मतलब आप d की बात कर रहे हो, अपने लिखा हुआ वैल्यू ऑफ l, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4, लाइक दैट वी हैव सीन दैट, तो ये 3p, m से तो कुछ बता ही नहीं सकते अपन अनलेस द मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, ये अपन कहेंगे फिर ये लिखना है तो मैं बता सकता हूं व्हाट इज दैट एनआरएल, तो ये 2s, क्योंकि ये सेकंड शेल है और एल का वैल्यू 0 मतलब एस ऑर्बिटल की, एस सब शेल की बात कर रहे हैं, एन के वैल्यू 3 और 2 तो 3d, ये लो कर मतलब मैं ये सब शेल का वैल्यू किससे बता सकता हूं एनआरएल से, हां तो यही तो आपका एन प्लस एल रूल था, यही तो बता रहे थे आप एन प्लस एल रूल में, इनकी एनर्जी डिसाइड करने के लिए पर एन प्लस एल रूल तो पढ़ रहे थे, समझना है, ठीक है। अब ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है और ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, तो अब मैं
जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द क्वांटम नंबर्स, क्योंकि ये क्वांटम नंबर्स ही तो हैं जिनसे अपन ये सब बता रहे हैं सबशेल्स को, ये अपन को सबशेल्स गिवन है तो उनके लिए क्वांटम नंबर्स बता रहे हैं, यही पूछना है एग्जाम। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो होगा एग्जाम्स में वो है विच ऑफ द फॉलोइंग, the following set of quantum numbers is correct, मैं कुछ set of quantum numbers बताता हूं आपको, मुझे ये बताना है कि उनमें से कौन सा करेक्ट होगा कौन सा नहीं होगा, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है। सपोज मुझे ऐसे इनमें से विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट, ये बताना है विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट। आप चैट में लिख के भी बता सकते हैं, ठीक है, गुड वन आंसर।
90% केस में अपन को सारे क्वांटम नंबर्स से ना ये इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, या तो ये क्वेश्चन होगा या फिर अपन से पूछेंगे कि भाई बताओ मतलब एक बड़ा सा एटॉमिक नंबर देंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा करेक्ट है ये पूछ लेंगे। शुरू कर रहे हैं, मुझे लगता है काफी आपने ट्राई किया होगा राइट ना, बट आंसर मुझे सिर्फ विशाल ने बताया, बाकी सब तो मुझे बताएंगे ही नहीं वरना मुझे आंसर पता चल जाएगा। ठीक है तो चलो देखते हैं अपन, है पता सबसे पहले तो अपन ध्यान रखेंगे कि आपने मुझे बताया था n का वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू l, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू l। अगर n का वैल्यू 2 है मतलब यहां पर आप 2s की बात कर रहे हो l का वैल्यू, तो ये ना पहले मैं ये लिख लूंगा भाई यहां पर 2s की बात कर रहे हो, ये 3d की बात कर रहे हो, ये 4p की बात कर रहे हो, ये 4 ये 3p की बात कर रहे हो, यहां पर आप 4s की बात कर रहे हो, यहां पर आप 5p की बात कर रहे हो और यहां पर आप 6f की बात कर रहे हो, ये मुझे पहले बता रहे हैं। ठीक, ये तो अपन को पता था कि l का वैल्यू कभी भी n के वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता, तो पता लग गया। तो राइट मतलब ये तो इक्वल टू भी नहीं लगाएंगे तब भी अपन को पता रहेगा। अब अपन क्या करेंगे ना भाई, s में m वन आ ही नहीं सकता, M1 तो P के लिए आ सकता है, पहला वाला गलत हो गया। टू एस कांट हैव M इक्वल टू वन, हो ही नहीं सकता, दूसरा चेक करता। अब 3D में M का वैल्यू हाँ होगा, हो सकता है, करेक्ट है, क्योंकि D में तो 5 ऑर्बिटल है ना। अब 5 ऑर्बिटल में से ऑब्वियस सी बात है एक माइनस टू होगा, एक माइनस वन होगा, एक जीरो होगा, एक प्लस वन होगा, एक प्लस टू होगा, तो वन आ सकता हूं। मतलब 3D में ये वन आ सकता है, फिर इलेक्ट्रॉन तो प्लस माइनस वन बाई टू लिखा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए करेक्ट। अब थर्ड की बात करते हैं, सी की बात। 4p में m का वैल्यू नहीं, p में m का वैल्यू कैसे हो सकता है, टू थ्री हो सकता है भाई। L का वैल्यू अगर 1 है तो M का वैल्यू प्लस 1 होगा, 0 होगा, माइनस 1 होगा, 2 थोड़ी हो जाएगा, फिर गलत हो गया। ये इसलिए गलत हो गया बिकॉज M का वैल्यू आपने गलत लिखा, M का वैल्यू कभी भी L से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो ये अगेन एल रही दैट ये इसलिए नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, M equal to 2 is not possible for me. P orbital, P के लिए वो possible है। अब D की बात करते हैं, 3P,
थ्री और ये तो अपने लिख लिया है, एम का वैल्यू इक्वल हो सकता है, हाँ हो सकता है, मैं थ्री पी में, अगर थ्री पी है तो एम का वैल्यू माइनस वन भी होगा, जीरो भी होगा, प्लस वन भी होगा, ये पॉसिबल है, ये करेक्ट। अब ए की बात करते हैं तो ये फोर एस की बात कर रहे हैं, एस में एम का वैल्यू जीरो, ये करेक्ट, कोई प्रॉब्लम क्योंकि एम और एल का वैल्यू इक्वल हो सकता है। ये 5p है, p में m का वैल्यू 2, इम्पॉसिबल है, p ऑर्बिटल कांट हैव m इक्वल टू 2, दैट्स इट रॉन्ग, ये गलत हो गया। अब f की बात करते हैं तो ये पॉसिबल है क्योंकि 6f है, m का वैल्यू तो जीरो भी हो सकता है, प्लस माइनस वन भी हो सकता है, प्लस माइनस टू भी हो सकता है और प्लस माइनस थ्री भी हो सकता है, तो ये करेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस 90% होता है, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, क्वांटम नंबर्स रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन, मेंस में तो इसके अलावा कुछ आएगा ही, मेंस में तो हमेशा यही क्वेश्चन आता है कि कौन सा पॉसिबल है, बस इसमें ध्यान रखना होता है कि करेक्ट लिखा हुआ है या इनकरेक्ट लिखा हुआ है, पूछा क्या है। सो दिस इज द यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स, वी हैव सीन दैट भाई क्वांटम नंबर्स का क्या यूज होता है, वी हैव सीन दैट और उनको कैसे प्रेडिक्ट करना होता है। अब अपन लिखेंगे अगेन, विल कम बैक टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड आयंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा फॉर द एलिमेंट्स एंड द आयंस, तो चलो देखते हैं कैसे। मान लो मुझे ऐसे गिवन है, मैंने आपसे कहा मेरे पास ना सोडियम गिवन है, तो अपन कहेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सोडियम आयन बना दूं तो कोई बात नहीं, 10 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 10 होंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s0, फिर हमें 3s लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर जीरो होगा किसी में इलेक्ट्रॉन तो अपन बस ये बता देंगे जीरो लिख के कि भाई देखो इससे इलेक्ट्रॉन हटाया हमने, बट उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर मेरे पास क्लोरीन है तो मैं, या अपन ऐसे लिख लेते हैं भाई हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 7 होता है, तो 1s2 2s2 p3 हो गया। तो अगर मैं नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो -1 तो 8 हो जाएगा, -2 तो 9 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे अपन 1s2 2s2 p4 हो गया, 1s2 2s2 p5 हो गया। और अगर मैंने इसको ऐसे लिखा एन माइनस थ्री तो लिखेंगे 10, दैट इज 1s2 2s2 p6 हो गया। और अगर -4 लिखा तो अब p तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया, आपको 3s1 लिखना पड़ेगा, मतलब तो जो भी आइंस होंगे उसमें अपन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव या ऐड कर, तो ठीक है भाई वेरिएबल टोटल। अगर मेरे पास ऐसे एल्यूमिनियम होता तो Al इज 13, तो अपन कहते हैं 1s2 2s2 p6 3s2 p1 हो जाता, 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं Al प्लस 1 लिखता तो अपन कहते हैं 12 हो जाता, 1s2 2s2 p6 3s2 p0। और अगर Al प्लस 3 लिखता तो ठीक है मैं इसको 10 कर लेता, 1s2 2s2 p6 3s0 p0। थर्ड शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो वैलेंस शेल से आपने सारे इलेक्ट्रॉन हटा दिए, विल रेट लाइक दैट, ठीक है। अब अपन चेक करेंगे, मान लो मेरे पास ऐसे क्या करना है, Fe इट इज 26,
आयरन को मैंने 26 लिखा। अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा सबशेल से, आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे मैं लास्ट सबशेल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। अब इसकी बात करते हैं, 26 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, 1s2, 2s2, p6, 3s2, p6, 4s2, 3d, 6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप चेक कर सकते हैं थोड़ी देर पहले का देखा। अगर मैंने इसमें नंबर नहीं लिखा है क्वांटम नंबर, इसका मतलब इसी क्वांटम नंबर का ये है पी है, मतलब ये 2s2 है और 2p6 है। यहां भी नहीं लिखा मैंने, मतलब 3s2 है 3p6 है, लेकिन मैंने यहां पर 4s2 लिखा बिकॉज एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 3d, वो अपर प्रिंसिपल से लिखा मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई आयरन ना मैं चाहता हूं कि इसको आप +2 लिखो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने पढ़ा हुआ है FeCl2 FeSO4 ऐसे। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे इसको भाई, ये तो 24 हो गया, तो मैं लिखूंगा 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s2 और 3d4। आया, तो अपन कहेंगे भाई ये गलत है, तो सही क्या है, तो अपन कहेंगे सही है 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s0 3d6, ये सही है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उस सेल से रिमूव किया जाएगा जो सबसे ज्यादा बाहर होगा, क्योंकि जितना ज्यादा न्यूक्लियस से शेल दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी फॉर द अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस। उसका अट्रैक्शन तो बताओ भाई, फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस में कम होगा या थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन का, फोर्थ शेल। तो फिर एनर्जी में आपने 4s को कम क्यों लिखा 3d से, वो तो आपका प्रिंसिपल था सब शेल का एनर्जी। नहीं, अपन कहेंगे भाई आप कहते हो कि सब शेल का एनर्जी, इसका एनर्जी कम है और इसका एनर्जी ज्यादा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालो भाई, आपको इससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए, इससे क्यों निकाला इलेक्ट्रॉन। तो अपन कहेंगे इससे इलेक्ट्रॉन इसलिए निकाला क्योंकि ये फोर्थ शेल था और ये थर्ड शेल है, तो बताओ किससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, फोर्थ शेल से। तो फिर आप ऐसा क्यों लिखते हो कि इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया, अगर शेल बाहर तो बाहर लिखो। भैया तो अपन ने ये कहा कि हमको बताया गया रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि आप जब भी किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको अफबाव प्रिंसिपल फॉलो करना होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो आपको अफबाव प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना है। तो फिर क्लियर बताओ करना क्या है। तो अपन कहेंगे देखो भाई ओनली फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी हैव टू फॉलो द अफबाव प्रिंसिपल, एंड फॉर ऑल अदर केसेस all other periodic properties, ionization energy, electron affinity, atomic radius, जितने भी periodic properties होंगे उन सब के लिए we have to follow the shell rule। हमें किसके हिसाब से question solve करना है, shell के हिसाब से question को solve करना है। Only for writing the electronic configuration will follow the Aufbau principle to calculate the energy of सबशेल बाय एन प्लस एन रूल, बाकी सभी केसेस में अफबाव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा किसी की भी बात करोगे तो मैं शेल के हिसाब से बताऊंगा। इस बात को हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए हमेशा। ओनली फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल फॉलो द अफबाव प्रिंसिपल
फॉर ऑल अदर पीरियडिक प्रॉपर्टीज, आप पीरियडिक टेबल के बारे में, एलिमेंट के बारे में कुछ भी बताओगे ना मुझे, आई विल ऑलवेज फॉलो द शेल रूल. पूरा पीरियडिक टेबल चैप्टर पढ़ना है, विल ऑलवेज फॉलो द शेल रूल. कभी बात नहीं करेंगे अफवाह प्रिंसिपल की, बात हम सिर्फ तब करेंगे जब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कहा गया. समझ में आया? तो दिमाग में हमेशा रहेगा आपने कि अगर इलेक्ट्रॉन हटाना है, दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन हटाना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू इनर शेल्स. वेरी क्लियर, पता चल गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है. तो भाई अब अगर ऐसे लिखना है तो बता दो, ए प्लस थ्री भी तो होता है, ठीक है. न्यूट्रल तत्व 26 प्लस 3 तत्व 23, 1s2, 2s2 p6, 3s2 p6. पहले इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन तो इससे निकालूंगा. अब तो थर्ड शेल में sp(d) है ना, d की एनर्जी सबसे ज्यादा, तो अब तो निकालोगे ना d से. हाँ, तो अब निकालेंगे d से, क्यों नहीं निकालेंगे, s से तो निकल गए साथ दोनों इलेक्ट्रॉन, अब तो d से ही निकालना पड़ेगा. ठीक है भाई, Ni है 28 होता है, Ni प्लस 2 और Ni प्लस 3 है ना. जरा जल्दी से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता दो. लिखो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni, 28 एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता दिया. तो इसमें 1s2 लिखा अपन ने, 2s2 लिखा अपन ने, p6 लिखा अपन ने, 3s2 p6 4s2 3d8 लिखा अपन ने. तो यहां पर क्या लिखा, अब ये वाला पार्ट तो आर्गन हो जाएगा, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं यार 4s0 हो जाएगा और 3d8 हो जाएगा, और इधर फिर लिखेंगे अपन यार 4s0 है और 3d7 है. दिस मुझे लगता है अपन सबको पता चल गया कैसे लिखना होता है बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है, अब चेक करते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ मेटल और आयन. मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ मेटल और आयन of element or ion. ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर में क्या होता है ना, मैग्नेटिक कैरेक्टर जनरली हमको दो टाइप के पड़ते होते हैं. एक होता है पैरामैग्नेटिक, दूसरा होता है डायमैग्नेटिक. तो
पैरामैग्नेटिक क्या होता है वो देखते हैं। अगर किसी एटम और आयन के पास अनपैड इलेक्ट्रॉन है तो अपन कहते हैं अनपैड इलेक्ट्रॉन है, अनपैड मतलब जिसकी पेयरिंग नहीं, तो अपन कहते हैं वो पैरामैग्नेटिक है। वो क्यों? क्योंकि उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन हैज अ मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो अपन क्या करेंगे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए, व्हेन एटम और आयन is placed in the magnetic field, placed in the magnetic field and shows deflection and shows, जब अपन किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना और वो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो अपन कहेंगे उसमें ना अनपैड इलेक्ट्रॉन है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल नहीं हुआ। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल नहीं हुआ तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। ड्यू टू रिपल्शन विद बिटवीन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से रिपल्शन हो रहा है और रिपल्शन की वजह से अपन कहेंगे वहां पर डिफ्लेक्शन हो रहा है। द मैग्नेटिक मूवमेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज द मैग्नेटिक मूवमेंट of atom or ion is calculated as mu से denote करेंगे अपन magnetic moment को, इसको mu लिख देता हूँ, of atom or ion can be calculated as, that is mu is equal to under root of n into n plus 2. The formula is given by बोर, तो हमने यूनिट भी बोर का ही रखा, बोर मैग्नेटा। बीएम जो होता है वो बोर मैग्नेटा होता है, इसको हटा लेते हैं, बाद में फिर से लिख लेंगे क्योंकि मैं सोच रहा था इसको ना, मतलब इसमें ही मैं बता देता मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन पहले अपन समझ तो लें कि मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, उसके बाद अपन फिर से एटम लिख लेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। बोर मैग्नेटा और जो इसमें n गिवन है, n n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एटम और आयन। तो हम ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके बता सकते हैं। जितने भी पैरामैग्नेटिक आयन्स होते हैं ना वो सब कलर्ड भी होता है, ऑल पैरामैग्नेटिक एटम और आयंस आर कलर्ड, तो वो अपन ध्यान रख लेंगे भाई। यहां पर लिख देते हैं ऑल पैरामैग्नेटिक एटम और आयन इज कलर्ड, तो ठीक है। अगर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पता कैसे लगाऊंगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन से, और अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। भाई आपने लिखा P3, मुझे पता है इसमें तो तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन, P4 ठीक है इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, P6 इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे के सारे फिल्ड अप हो गए। तो इसमें तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं हुआ, दो ऐसे हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं हुआ, इसमें सभी का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो गया, तो डायमैग्नेटिक। तो लिख देते हैं भाई डायमैग्नेटिक क्या होता है,
डायमैग्नेटिक। सो द एटम और आयंस विच डू नॉट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उनको अपन डायमैग्नेटिक कहेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन डू नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, कभी कभी अपन इसे नेग्लिजिबल भी लिख देते हैं कि भाई नेग्लिजिबल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो फिर अपन उसे बता सकते हैं कि वो ऐसे हो जाएगा। डू नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन और नेग्लिजिबल डिफ्लेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इज अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, और मूविंग चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए मैंने नेग्लिजिबल वर्ड यूज करा। तो और नेग्लिजिबल डिफ्लेक्शन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर व्हेन इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक होगा देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो एन का वैल्यू जीरो होगा, तो म्यू विल बी मैग्नेटिक मोमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। फॉर दिस म्यू इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट इनके लिए हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। फॉर दिस द म्यू विल बी जीरो एंड आर कलरलेस। ऑब्वियस सी बात है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड होता है ना, दे आर कलरलेस। ठीक है, तो अपन को पता चल गया कि भाई वो कलरलेस, अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दे विल बी कलरलेस। चलो देखते हैं एग्जांपल लेके, अगर मेरे पास ऐसे किरण है, सपोज करते हैं कि मुझे आपने उसे दे दिया दैट इज सोडियम, तो सोडियम विल बी कलर्ड बिकॉज उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कैसे, अब ऑड नंबर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हो ही जाएगा, 1s2 2s2 p6 3s1, ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें। लेकिन अगर मैं सोडियम आयन लिखूंगा तो फिर 10 होगा, तो मैं लिखूंगा 1s2 2s2 p6 3s0, तो मैं क्या कहूंगा, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सो दिस विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और कलर्ड भी बताऊंगा, जबकि ये डायमैग्नेटिक है तो कलरलेस बताऊंगा। तो क्या मैं ऐसे भी बता सकता हूं, ये एग्जांपल वन था, सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है कि भाई मैंने आपसे कहा कि मेरे पास गिवन है सपोज Fe, तो इट विल बी कलर्ड और नॉट, इट विल बी कलर, व्हाइट इज सो बिकॉज यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, ये 26 होता है तो यू विल राइट 3d दैट इज AR, 18 हो गया, 4s2 20 हो गया, 3d6 26 हो गया। अभी d में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इट हैज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ये 4s हो गया, ये 3d हो गया, कैसे, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो इट हैज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, अपन कहेंगे म्यू विल बी इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 2, तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, so 4 plus 2 is 6, 6 into 4, we know that, so we'll write that 4.90 plus percent. ये magnetic moment, ठीक है, तो अपन calculate कर सकते हैं magnetic moment of the species, तो अब आज अपन यही रुकेंगे, next time मैं magnetic moment से ही शुरू करूंगा, मतलब इसके calculation से ही शुरू करूंगा, ठीक है, तो ठीक है, विल राइट दैट कि भाई इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हो कि
एक्सरसाइज 1 पूरा सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो आपका होमवर्क एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होगा जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई थिंक वी आर हैविंग अ क्लास ऑन सैटरडे, तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, फिर अपन डाउट्स के लिए जो भी टाइम बचेगा उसमें डाउट्स डिस्कस करेंगे। बट एक्सरसाइज 1 आप कंप्लीट कर सकते हैं। बट मुझे और भी कुछ कंसेप्ट बताने हैं, वो कंसेप्ट बताने के बाद ही आप डाउट डिस्कस करेंगे। सो ट्राई योरसेल्फ, चेक करेंगे नेक्स्ट टाइम, आज ठीक है। चलो थैंक यू सर, इंट्रोडक्शन। हाँ बेटे, मतलब मेरे ख्याल से कल मैं क्लास रखूँ, बाय। तो मैं बताता हूँ तेजस, मेरे ख्याल से कल रखेंगे तुम, है? यस सर।